गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश कोर्स बुक, दैट इज वॉशिंग क्लोथ्स विथ माई मॉम। इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव टॉट यू अबाउट द राइटर दैट ही हैड ओनली वन बाथरूम, ही शेयर्ड हिज बाथरूम विथ हिज फैमिली एंड ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज मदर इन वॉशिंग द क्लोथ्स। नाउ the second part I am starting today, that is the paragraph I am going to read. The air from the dryer was warm and comfortable. I slept until the dryer buzzed. I was thrilled when mom taught me to clean the lint filter and to place the dry clothes on a folding table. She made me feel useful. I remember how she complimented me on a job well done, although I remember dropping most of the clothes before I got them on the table. In this paragraph, the writer wants to say that the air from the dryer, dryer में से जो हवा आ रही थी वो बहुत ही आरामदायक था, और जब तक dryer बजता उसका आवाज निकलता तब तक वो आराम से सो जाते थे। He was thrilled when his mom taught him to clean the लिंट फिल्टर। लिंट फिल्टर एक धागा टाइप का पार्ट होता है उसमें ड्रायर में, जो कि क्लोथ सूखने में काम देता, और उसको हर बार जो कपड़े डालते हैं उसको हर बार उसे साफ करना पड़ता है। नाउ द राइटर हेल्प हिज मदर, ही ऑल्सो रिमेम्बर दैट शी कॉम्प्लीमेंटेड हिम, उसने उनकी मॉम ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, उसकी तारीफ की, जो उसने बहुत अच्छा जॉब किया, मम्मी का हेल्प किया सुबह सुबह उठ के इन वॉशिंग फॉर ड्राइंग द क्लोथ्स एंड फोल्डिंग द क्लोथ्स ऑन द टेबल। व्हेन माय एल्डर सिस्टर वोक एट 6 o'clock, दे टुक देयर बाथ एंड देन हेल्प्ड मॉम कैरी द फोल्डेड क्लोथ्स अप स्टेयर्स। दैट वॉज द रिचुअल दैट आई हैडेंट नोटिस्ड अंटिल दैट मॉर्निंग। जब मेरी बड़ी बहनें सब जब उठती थी 6 बजे, तो वो लोग अपनी मॉम का हेल्प करती थी, सारे कपड़े फोल्डेड कपड़े को लेके अप स्टेयर पे जाती थी, और ये पहली बार ऐसा था ये रिचुअल। ये रिचुअल मीन्स होता है जो काम हम लोग रेगुलरली सेम वे में करते हैं, ऐसा रिचुअल पहली बार था, ऐसा काम जो उन्होंने देखा, जो नोटिस पहले नहीं कभी किया था उन्होंने, जो हर सुबह मॉम कपड़ा धोए और उनकी एल्डर सिस्टर उनका हेल्प करती थी अप स्टेयर ले जाने में। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सेट द अलार्म फॉर 4 o'clock। आई हरीड थ्रू माय बाथ एंड रश टू द बेसमेंट टू हेल्प मॉम। शी प्लेस्ड अ टॉवल ऑन द फ्लोर। आई स्लेप्ट अंटिल द ड्रायर बज्ड, देन क्लीन द लिन फिल्टर एंड स्टैक्ड द क्लोथ्स ऑन द टेबल। आई स्लेप्ट between loads while mom sang folded clothes and washed another load. That was the routine we kept every wash day for several years. Now the next morning when the writer saw his mother in washing the clothes and from next morning he set the alarm of 4 o'clock. 4 baje ka alarm lagaya aur jaldi se subah utke baat karne ke baad basement mein gaye aur apni mom ka help kiye. Wahan उनकी मॉम ने टॉवल को फ्लोर पे डालती थी, बिछाती थी, और उस पे वो स्लेप्ट सो जाते थे जब तक ड्रायर बज करता था, जो कि प्रीवियस मॉर्निंग भी हुआ था एक दिन पहले, और वो लिंट फिल्टर को हर स्टैक के बाद साफ करते थे, उसके बाद क्लोथ्स को टेबल पे डालते, और हर जब भी लोड डाला जाता था बिटवीन में मॉम सैंग करती थी, गाना गाती थी, अपने काम को एंजॉय करती थी, कपड़ा फोल्ड करके और वॉश करके अनदर लोड भी डाल दी थी। दैट वॉज अ रूटीन जो कि कुछ साल तक चलते रहा, कपड़ा धोने का हर वीक में जो रूटीन बना हुआ था वॉश। आई लुक बैक ऑन दोज डेज विथ फॉन्ड मेमोरीज। माई पेरेंट्स टॉट माई सिबलिंग्स एंड मी दैट वर्क वॉजंट अ हार्डशिप। समटाइम्स वेन आई एम वर्किंग आई कैच माई सेल्फ सिंगिंग अ सॉन्ग आई लर्न इन दैट ओल्ड बेसमेंट एंड स्माइल। जब भी मैं उस पुराने दिन को याद करता हूं, और वो बहुत ही सुहावना यादगार होता है मेरा, बहुत ही अच्छा,
जो कि मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरे सिबलिंग्स मतलब मेरे भाई बहन को सिखाए कि काम कभी भी हार्ड नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कोई काम करता हूँ, राइटर इज टेलिंग दैट व्हेन ही इज वर्किंग ही इज कैचिंग हिमसेल्फ सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब वो अपने आप को गाना गाते हुए पाते हैं और मुस्कुराते हुए अपने काम को एंजॉय करते हैं, काम करते करते गाना भी गाते हैं, स्माइल करते हैं। इट्स अमेजिंग टू मी हाउ सीमिंगली इन सिग्निफिकेंट मोमेंट्स क्रिएट फॉन्ड मेमोरीज दैट लास्ट अ लाइफ टाइम। ये एक अमेजिंग है मेरे लिए, जो ऐसा मोमेंट्स है जो कि हम जिंदगी भर हमें ये मेरे लिए एक यादगार रहेगी, एक पसंदीदा यादगार बन के रह जाएगी। अब नाउ स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क्स व्हेन एवर योर मॉम इज इन ट्रबल और इज शी डूइंग हार्ड वर्क, यू शुड ऑल्सो हेल्प योर मॉम और डैड। आपको भी अपने मम्मी पापा का हेल्प करना चाहिए, जब भी देखे जो मम्मी पापा परेशान है काम का, बहुत ही मतलब बहुत जरूरी काम है और उसमें हेल्प की जरूरत हो, हेल्प करेंगे तो मॉम डैड भी खुश रहेंगे एंड यू विल ऑल्सो हैप्पी। वेन यू हेल्प अदर्स यू विल ऑल्सो फील यू योर सेल्फ वेरी हैप्पी। नाउ रीड द चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर हाउ राइटर हेल्प हिज मॉम इन वॉशिंग द क्लोथ्स एंड यू ऑल्सो ट्राई टू हेल्प योर फैमिली। थैंक्स।